भारत में ऐसे लोग हैं जो अपने तंत्र विद्या की प्रैक्टिस करते हैं पेड़ों पर। क्या आपने सुना है? वो तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं जिसके लिए उन्हें कोई चाहिए होता है। वो वाकई पेड़ों से खून निकाल देते हैं, लाल खून। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वो पेड़ों के साथ तमाम तरह की चीजें करते हैं। तो सोचिए, अगर आप ऐसे पेड़ को काटें, वो एक बहुत ही सताया हुआ पेड़ होगा। अगर वो किसी के घर में पहुंच जाए जहां एक भोला भाला परिवार इन चीजों के पहचान करना नहीं जानता, वो उन्हें वाकई नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर भारत में कारपेंट्री पारंपरिक रूप से सिखाई जाती है। आज बेशक इसे स्कूलों में सिखाया जा रहा है, एक विशेष समुदाय जिसे आमतौर पर दक्षिण भारत में आचारी कहते हैं, वहां उन्हें सिखाया जाता है कि लकड़ी को कैसे महसूस किया जाए। उसका उपयोग कैसे किया जाए। वो कभी कभी किसी लकड़ी को अस्वीकार कर देते हैं, वो इसे लेंगे ही नहीं। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि पैसे जरूरी हैं। अब लकड़ी का हर टुकड़ा हर चीज में डलता है, ठीक है, और अब सब प्लाईवुड है। आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या पड़ा है। वरना अगर आप पारंपरिक आचारी के पास जाएं और आप कहें मैं इसका इस्तेमाल मान लीजिए मेरे पूजा रूम या प्रार्थना रूम में करूंगा, तो वो कहेगा नहीं, ये लकड़ी नहीं चलेगी, मुझे दूसरी लकड़ी चाहिए। अगर कोई कहे इस लकड़ी से मैं बच्चे के लिए पालना बना रहा हूँ, वो कहेगा नहीं, इस लकड़ी से बच्चे का सामान नहीं बनाऊंगा। इस तरह वो चुनते हैं, वो लकड़ी को महसूस करने में विशेषज्ञ बन जाते हैं। पर वो सब अब रहा नहीं। मैं कहूंगा कि 90% तक अब नहीं रहा, अफसोस। 20-30 साल पहले, करीब 30 साल पहले जब मैं कंस्ट्रक्शंस में था, तब ऐसा होता था। अब होता यह है कि सब काट कर पैक कर दिया जाता है, कोई परवाह नहीं करता। ये एक सूक्ष्म शक्ति है, पर कभी कभी ये शक्तिशाली होती है, वरना आमतौर पर सूक्ष्म ही होती है। दरअसल कई घरों में शायद महिलाएं वैसी ना हो, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, पर अगर उनका ध्यान करियर पर ना हो और वो कोमल हो और घर को महसूस कर पाए, अगर वैसी महिलाएं हों तो शायद उन्हें पता होगा कि कहाँ क्या रखना है, उन्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा। असल में बिना तर्क से सोचे वो चीजें कुछ इस तरह से रख देंगी कि ये अच्छा महसूस हो कि ये घर में अशुभ शक्ति ना बने। I'm sure a lot of women are sensitive to those things. They may not be conscious about it. मुझे यकीन है कई महिलाएं इन चीजों के प्रति संवेदनशील हैं, शायद वे इस बारे में सचेत ना हो, क्योंकि मैंने मेरी एक चाची को देखा है। वो घंटों चीजों की जगह बदलने में बिताती थी, थोड़ा इस तरह, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा वैसा, जब तक उन्हें ठीक ना लगे। मैं भी ऐसा ही हूं, मुझे भी चीजें यहां वहां रखनी होती हैं, चीजें ठीक से रखी जानी चाहिए, क्योंकि जो संवेदनशील हैं उनके लिए एक सच्चाई है। तो जीवन के बहुत 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 से आयाम हैं। आप जितना खोजने को तैयार हैं उतना ही समृद्ध आपका जीवन होगा। चाहे आप खाना पकाएं या कारपेंट्री करें या झाड़ू लगाएं, एक ही काम लाखों तरीके से हो सकता है। हाँ, वही काम लाखों तरीकों से हो सकता है। हर इंसान वही काम अलग तरीके से करेगा, है कि नहीं? हाँ, सभी के तरीके अलग होंगे। तो आप ध्यान ना दें तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिट्टी और पत्थर ही तो है। अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ कुछ और ही बन जाएगा। कितना ध्यान दें, आपका ध्यान कितना तीव्र है, आपके हिसाब से ये जीवन कितना ध्यान देने लायक है?
ये एक बड़ा सवाल है। आपके हिसाब से जीवन पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए? कितना? जितना हो सके उतना, है ना? अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ आकर्षक है, सब कुछ शानदार है, सब भव्य है, सब कुछ देवत्व का द्वार है। अगर आप ध्यान ना दें तो सब कुछ बस मिट्टी और पत्थर है। तो यह स्थान आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, पर तंत्र विद्या के लिए महत्वपूर्ण है, जो बदसूरत और अरुचिकर हो सकता है। और अपने दांतों को ही जानवर की गर्दन में डुबोकर वो उसका खून पी लेते हैं। ऐसी चीजें घर में लाकर लोग खुद को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत में ऐसा एक पूरा पंथ है। सांप को किसी व्यक्ति को काटने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है।